हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे जो आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड है 2023 का। और इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपको कमेंट करके बताना है कि राइट आंसर क्या होगा और ये एनालाइज भी करना है कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो फिलहाल हम क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि किस शब्द की वर्तनी सही है, यानी अंतर्राष्ट्रीय को चार प्रकार से लिखा गया है और उसमें आपसे पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सही तरीके से किस में लिखा गया है, कौन सा शब्द एकदम एक्यूरेट है, सही है। ऑप्शन आपके पास अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय। तो बताइए इनमें चारों में से कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय जो सही प्रकार से लिखा गया है। तो यहाँ बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, अंतर्राष्ट्रीय जो लिखा जाता है वो इस तरह लिखा जाता है। कमेंट करके बताइए आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है। आशीर्वाद में भी एक ऐसा शब्द है आशीर्वाद जिसे लिखने में लोग बहुत गलतियाँ करते हैं, अक्सर लोग गलतियाँ करते ही करते हैं। तो आप लिख के बताइए कि आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है। ऑप्शन आपके पास ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान या मॉरिशस। तो राइट ऑप्शन आपको बताना है कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ जो आपका डी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। मॉरिशस ऐसा एक ऐसा देश है जिस जो क्या करता है, हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में करता है। तो यहाँ डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्कंठा का पर्यायवाची कौन सा शब्द होगा। ऑप्शन आपके पास लालसा, उत्पन्न, उपेक्षा या उलाहना। तो राइट ऑप्शन बताइए, राइट ऑप्शन क्या होगा। उत्कंठा मतलब होती है इच्छा, लालसा लोग कहते नहीं कि बहुत ज़्यादा उत्कंठित हो रहा है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लालसा, यानी ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऊहापोह का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा, निश्चित, असमंजस, अभिभूत या व्यग्रता। तो राइट ऑप्शन बताइए इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा कि ऊहापोह का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है असमंजस, या हम कह सकते हैं कि ऊहापोह का जो मतलब होता है वो असमंजस होता है। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे हम क्या कहेंगे, प्रसन्न चित्त, प्रसून, प्रसन्ना या आशुतोष। राइट ऑप्शन क्या होगा, कमेंट करके बताइए जल्दी से। तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, आशुतोष। जैसे भगवान शंकर हैं, भगवान शंकर को हम आशुतोष के नाम से भी जानते हैं, आशुतोष भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि भगवान शंकर बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं और याद रख सकते हैं कि जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए आशुतोष। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि जिसके भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे क्या कहेंगे, आजान बाहु, आजान बाहु, समबाहु या विषमबाहु। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। जस्ट अ मिनट, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा कि जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे हम आजान बाहु कहते हैं। तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहा है कि अपहरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ। उपसर्ग मतलब जो आगे लग के, किसी शब्द के आगे जब हम लगा देते हैं उपसर्ग तो उसका मतलब बदल जाता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि उपसर्ग का प्रयोग, किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन आपके पास अ, अव, अप या अनु। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इसे दो भागों में डिवाइड करेंगे तो अप प्लस हरण, यानी अप उपसर्ग का इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फिर आपका उपसर्ग पूछा गया है, तो उपसर्ग और प्रत्यय से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। क्वेश्चन है कि उल्लंघन में उपसर्ग बताइए। ऑप्शन आपके पास अ, आ, उत या उप। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि उत प्लस लंघन लगाएंगे तो उल्लंघन हो जाएगा, तक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा आधा ला में। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये व्यंजन संधि का भी उदाहरण है। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहा है कि उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग से रिलेटेड लगातार तीन से चार क्वेश्चन पूछे गए हैं इस क्वेश्चन पेपर में। ऑप्शन आपके पास उप, उद, अपि या अभी। तो राइट ऑप्शन बताइए कौन सा हो जाएगा, उद, यानी यहाँ उद प्रत्यय उपसर्ग का इस्तेमाल हुआ है, उद प्लस में उन्मेष हो जाएगा। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। फिर कह रहा है कि कौन सही सुमेलित है। ऑप्शन आपके पास अनुरक्ति विरक्ति, असमय कुसमय, अवसर सुअवसर या दीर्घायु चिरायु। तो राइट ऑप्शन बताइए इसमें से राइट ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अनुरक्ति विरक्ति क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो दीर्घायु चिरायु, असमय कुसमय, अवसर सुअवसर, ये सभी क्या है, ये सही मेल नहीं है, ए एकदम सही मेल है, करेक्ट है।
तो इस वजह से ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि इनमें से कौन एक शब्द अलंकार नहीं है, अनुप्रास अलंकार, श्लेष, यमक या उपमा। तो बताइए इन चारों अलंकारों में से कौन सा एक अलंकार ऐसा है जो शब्द अलंकार का भेद नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, उपमा। उपमा अलंकार शब्द अलंकार नहीं होता, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ निगेटिव पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से अर्थालंकार नहीं है, यानी अर्थालंकार का कौन सा भेद नहीं है। ऑप्शन आपके पास उपमा, उत्प्रेक्षा, वक्रोक्ति या रूपक। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वक्रोक्ति जो है वो अर्थालंकार में नहीं आता। उसके अलावा रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा ये सभी अर्थालंकार है। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहा है कि इनमें से कौन एक भिन्न है। ऑप्शन आपके पास यमक, श्लेष, वक्रोक्ति या दृष्टांत। तो राइट ऑप्शन बताइए, राइट ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दृष्टांत क्या है, इन तीनों से भिन्न है। इसके अलावा यमक, श्लेष, वक्रोक्ति क्या है, शब्द अलंकार है, जबकि दृष्टांत नहीं है। तो इस वजह से डी इससे डिफरेंट है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि इनमें से कौन मात्रिक छंद का उदाहरण है, यानी मात्रिक छंद का एग्जाम्पल कौन सा है, कवित, बरवे, सवैया या मालिनी। तो राइट ऑप्शन बताइए क्या होगा, बरवे। बरवे क्या है, मात्रिक छंद का उदाहरण है। यह पूछ रहा है, नहीं नहीं पूछ रहा है, बरवे मात्रिक छंद का उदाहरण है। इसके अलावा सवैया, मालिनी, कवित ये मात्रिक छंद के उदाहरण नहीं है। तो इस वजह से यहाँ बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से कौन सा वार्णिक छंद है। ऑप्शन आपके पास कुंडलिनिया, उल्लासा, मंदाक्रांता या गीतिका। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि मंदाक्रांता जो है वो वाणिक छंद का उदाहरण है। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे पूछ रहे हैं कि शांत रस का स्थाई भाव कौन सा है। जितने भी रस होते हैं, हास्य रस, शांत रस, इनके सभी के स्थाई भाव होते हैं। तो यहाँ आपसे शांत रस का स्थाई भाव पूछ रहा है। ऑप्शन आपके पास शोक, वत्सलता, निर्वेद या विस्मय। तो बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, सी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि विस्मय क्या है, आश्चर्य से रिलेटेड है। शोक ये आपका शांत रस से रिलेटेड नहीं है, वत्सलता भी शांत रस से नहीं है। तो सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। शांत रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है निर्वेद। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहा है कि अनुराग किस रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन आपके पास शांत रस, वात्सल्य रस, वीर रस या रौद्र रस। राइट ऑप्शन बताइए, राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा वात्सल्य रस। अनुराग वात्सल्य रस का स्थायी भाव है। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहे हैं कि प्रिय प्रवास किसकी रचना है। रचना और रचनाकार से रिलेटेड भी क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगी एग्जाम में। तो यहाँ जो पूछा गया है वो पूछ रहा है कि प्रिय प्रवास जो रचना है वो किसकी रचना है। ऑप्शन आपके पास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अग्गेर, मैथिली शरण गुप्त या माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या होगा, प्रिय प्रवास जो है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। फिर पूछ रहा है कि भ्रमर गीत किस कवि की रचना है। ऑप्शन आपके पास तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, नंददास। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भ्रमर गीत जो है वो सूरदास की रचना है। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। फिर पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी सूरदास की रचना है। ऑप्शन आपके पास कवितावली, सूर साहित्य, सूर सागर, प्रेम वर्तिका। तो राइट ऑप्शन बताइए, राइट ऑप्शन क्या होगा, सूर सागर। सूर सागर जो है वो सूरदास की रचना है। कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका ये सभी क्या है, किसकी रचना है, कमेंट करके बताइए। मैंने आपको एग्जाम्पल भी बता दिया, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका ये सभी एक ही कवि की रचना है। तो कमेंट करके आपको बताना है कि ये सब किसकी रचनाएं हैं। और यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर पूछ रहा है कि परमाल रासो किसकी रचना है। ऑप्शन आपके पास जयदेव, जगनिक, चंदबरदाई या नरपित नाल। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, जगनिक। परमाल रासो जगनिक की रचना है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर पूछ रहा है कि रामचरितमानस किस काव्य धारा की प्रतिनिधि रचना है। ऑप्शन आपके पास कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, प्रेम मार्गी या ज्ञान मार्गी। तो बताइए रामचरितमानस किससे रिलेटेड हो जाएगा, यहाँ बी कौन सा ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो हमें पता है रामचरितमानस में राम भक्ति की गई है, यानी राम जी की भक्ति है से रिलेटेड है। तो ये आपका बी से रिलेट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, रामचरितमानस राम भक्ति काव्य धारा की प्रतिनिधि रचना है। फिर पूछ रहा है कि दिगंबर में कौन सा समास है।
तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव या कर्मधारय। तो राइट ऑप्शन बताइए इसमें से राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बहुव्रीहि। दिगंबर में आपका बहुव्रीहि समास है, तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। यहाँ किसी अवयव का इस्तेमाल नहीं किया गया है और उसके बाद यहाँ विशेषण विशेष की भी बात नहीं की जा रही है। बहुव्रीहि क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ दो शब्द मिलकर किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं। तो दिगंबर बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, ये बहुव्रीहि के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि गंगा का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन नहीं है, नहीं पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन आपके पास सुरसरिता, मंदाकिनी, कालिंदी या देवापगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कालिंदी जो है वो गंगा का पर्यायवाची नहीं है। इसके अलावा गंगा जी को सुरसरिता, मंदाकिनी और देवापगा भी कहा जाता है। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन इस क्वेश्चन के बिहाफ पे सही है, क्योंकि यहाँ नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है, नहीं शब्द का इस्तेमाल हुआ है, यानी आपको निगेटिव फाइंड आउट करना है। ऑप्शन आपके पास जलद, पंकज, सतदल या राजीव। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। जलद नहीं होता, जलज होता है। जलज कमल का पर्यायवाची होता है, लेकिन जलद कमल का पर्यायवाची नहीं होता है। तो यहाँ ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। फिर पूछ रहा है कि छंद प्रभाकर किसकी रचना है। ऑप्शन आपके पास जगन्नाथ प्रसाद भानु, कुलपति मिश्र, भिखारी दास या मती राम। तो बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। छंद प्रभाकर जो है वो मती राम की रचना है, तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। फिर पूछ रहा है कि इनमें से कौन चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, फिर आपसे निगेटिव पूछ लिया है। ऑप्शन आपके पास हिमांशु, राकापति, मृगांक या तुरंग। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन, तुरंग जो है वो घोड़े का पर्यायवाची है, चंद्रमा का नहीं। तो इस वजह से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आपसे निगेटिव पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने पूछा है कि निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, यानी आध्यात्मिक को कई प्रकार से लिखा गया है और आपसे पूछ रहा है कि राइट तरीके से कौन सा लिखा गया है। यहाँ आध्यात्मिक है, अध्यात्मिक है, आध्यात्मिक है और ये आध्यात्मिक है। तो बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा, कौन सा एकदम सही है? तो ए ऑप्शन सही है, आध्यात्मिक जो है वो इस तरह लिखा जाता है। तो ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर आपसे शुद्ध वर्तनी की बात की गई है कि कौन सा शब्द की वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन आपके पास संन्यास, श्रीमती, हितैषी, हिंदू। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? हितैषी। हितैषी जो है वो एकदम करेक्ट तरीके से लिखा गया है। हिंदू नहीं होता, हिंदू होता है, श्रीमती होता है, और संन्यास भी गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, क्योंकि हितैषी ही एक ऐसा शब्द है इन चारों में से जिसकी वर्तनी शुद्ध है, जो सही प्रकार से लिखा गया है। फिर आपसे कहावत पूछ लिया गया है, चिराग तले अंधेरा, इस कहावत का सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शन आपके पास अपनी बुराई नहीं दिखना, परिश्रम से भागना, उच्च और साधारण की तुलना, अधिक लाभ होना। तो राइट ऑप्शन बताइए क्या होगा इसका? अपनी बुराई नहीं दिखना, चिराग तले अंधेरा मतलब अपनी बुराई नहीं दिखाई देती। तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि मूर्ख धनवान किस लोकोक्ति को चरितार्थ करता है, यानी मूर्ख धनवान किस लोकोक्ति का सही अर्थ दर्शा रहा है, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन आपके पास आंख का अंधा नाम नयन सुख, आंख का अंधा गांठ का पूरा, आगे नाथ ना पीछे पगहा या नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि आंख का अंधा गांठ का पूरा, इसका अर्थ होता है मूर्ख धनवान। आंख का अंधा नाम नयन सुख मतलब होता है कि नाम के विपरीत काम करना। आगे नाथ ना पीछे पगहा का मतलब होता है कि कोई भी नहीं है, सगा संबंधी आगे पीछे कोई नहीं है, किसी का डर नहीं है, बस चलते जाओ। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा का मतलब क्या होता है कि हमें पता नहीं है कि कैसे काम करना है और हम उसमें कमियां निकाल रहे हैं कि अरे ये तो इस वजह से नहीं हो पाया, इस वजह से नहीं हो पाया, यानी कि हम खुद कर नहीं पा रहे हैं और कमियां हम काम में निकाल रहे हैं। तो वो होता है इसका अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि सबका अपनी अपनी मर्जी से काम करना किस लोकोक्ति का सही अर्थ है। ऑप्शन आपके पास अपनी डफली अपना राग, आप डूबे तो जग डूबा, खग जाने खग ही की भाषा या अकल बढ़िया भैंस। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। अपनी डफली अपना राग मतलब अपनी मर्जी, अपनी अपनी मर्जी से काम करना। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, नहीं वर्ड का इस्तेमाल हुआ, यानी निगेटिव आपको ढूंढना है। ऑप्शन आपके पास सूची पवित्र, सर सरोवर, सवर्ण सोना या सर्ग अध्याय। तो बताइए इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। सवर्ण सोना ये क्या है? ये तत्सम तद्भव के रूप में लिखे गए हैं, तो इस वजह से ये सही सुमेलित
नहीं है तो इसी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रत्येक चार वाक्य के नीचे चार विकल्प दिए गए हैं, उनमें से कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, उसे आपको चयन करना है। यानी ये वाक्य आपका दिया गया है और इन चारों में से कोई एक वाक्य ऐसा होगा जो इसका शुद्ध रूप है, वही आपको फाइंड आउट करना है। तो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ कि अपने हाथ से स्वयं काम करो, अब ये सही प्रकार से किस तरह लिखा जाएगा? ऑप्शन आपके पास अपना काम स्वयं करो, अपने से अपना काम करो, स्वयं से काम करो, या हाथ से अपना काम करो। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अपना काम स्वयं करो। फिर कह रहा है कि हमारे नाक में दम हो गई है, तो इसका सही सेंटेंस क्या होगा? हमारी नाक में दम हो गई है, हमारे नाक में दम हो गया है, नाक में दम हो गई है, या हमको नाक में दम कर दिया है। तो बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारी नाक में दम हो गई है। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें मुहावरे का अर्थ पूछ लिया गया है। मुहावरा है दो टूक कहना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? स्पष्ट करना, झगड़ा करना, टुकड़े करना, या कविता लिखना? तो बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा? स्पष्ट करना, दो टूक कहना मतलब स्पष्ट करना। तो यहाँ ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। फिर कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? परिमाण या परिमान? तो बताइए परिमाण को अलग अलग तरीकों से लिखा गया है और आपसे पूछ रहा है कि सही तरीके से कौन सा लिखा हुआ है। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही है, परिमाण जो है वो हमेशा इस तरह लिखा जाता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहे कि जिसकी चिंता ना की जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अचिंत्य, चिंतनशील, चिंतामणि, या चैतन्य? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? अचिंत्य, जिसकी चिंता ना की जा सके उसे हम कहेंगे अचिंत्य। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहे हैं कि प्राकृतिक शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? इसे तो आप बहुत ही अच्छे से बता पाएंगे क्योंकि इससे तो आप रिलेट ही रहते हैं। ऑप्शन आपके पास नैसर्गिक, कृत्रिम, बनावटी, या स्वर्गिक? तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्राकृतिक का विपरीतार्थक हो जाएगा कृत्रिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? मणि, चांदी, झील, या मोती? तो कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा? मोती। मोती क्या है? पुल्लिंग शब्द है। इसके अलावा चांदी, झील, मणि ये सभी स्त्रीलिंग में आ जाते हैं। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें करें कि घनश्याम में कौन सा समास है, यानी शब्द आपको दिया गया है और आपसे समास पूछ रहा है। ऑप्शन आपके पास कर्मधारय, द्वंद, अव्ययी भाव, या तत्पुरुष? तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? कर्मधारय। क्यों? क्योंकि यहाँ विशेषण विशेष की बात की जा रही है। घन श्याम, यानी श्याम कैसे हैं? घन है। तो यहाँ आपका विशेषण विशेष की जब बात की जाती है तो वहाँ कर्मधारय समास आता है, जब अव्यय इस्तेमाल हुआ हो तो अव्ययी भाव समास आता है। द्वंद में क्या आता है? माता पिता विपरीतार्थक शब्द जब होते हैं तो द्वंद समास आता है। और जब सब उसमें अगर आपको नंबरिंग की बात की जाए, यानी नंबर दिया हो, तो वहाँ द्विग समास आ जाता है। तो इस तरह मैंने सबको आपको एक्सप्लेन कर दिया, आप इससे रिलेट कर पा रहे होंगे। फिर कह रहे हैं कि भवन का सही संधि विच्छेद क्या है? भो प्लस अन, भू प्लस अन, भव प्लस न, या भ प्लस वन? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये बताइए कि ये किसका एग्जाम्पल, यानी किस संधि का एग्जाम्पल है? ओ किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? व में। यानी ए, आए, औ, आओ, ये सभी किस में होते हैं, तो वो आपको बताना है। और यहाँ जो भवन का सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो भो प्लस अन हो जाएगा। ओ का क्या बन जाएगा? औ बन जाएगा, तो ये भवन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछ रहा है कि पुत्री का पर्यायवाची नहीं है, निगेटिव पूछ रहा है। ऑप्शन आपके पास नंदिनी, दोहिता, तनुजा, या दारा? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? दारा। दारा जो है वो पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है तो उसे क्या कहते हैं? क्षेत्रीय भाषा, परिनिष्ठित भाषा, राजभाषा, या राष्ट्रभाषा? तो राइट ऑप्शन जो यहाँ होगा वो होगा परिनिष्ठित भाषा। जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है तो उसे परिनिष्ठित भाषा कहा जाता है। तो बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। फिर पूछ रहा है कि इनमें से कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? अवधी, कन्नौजी, बघेली, या छत्तीसगढ़ी? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? कन्नौजी। कन्नौजी जो है वो पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। इसके अलावा अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये सभी पूर्वी हिंदी की बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मोहन उठकर बाहर जाओ, फूल ले आओ। इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का शब्द है? संज्ञा है, विशेषण है, अव्यव है, क्रिया विशेषण है? तो यहाँ जो बाहर शब्द है वो आपका अव्यव है। मोहन उठकर बाहर जाओ,
इसमें बाहर क्या है, एक अवयव की तरह इस्तेमाल हुआ है, तो ये एक अवयव है, तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि धरित्री का तद्भव रूप क्या होगा, यानी धरित्री क्या है, तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन आपके पास धरती, भूमि, धरा या धूर, तो बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा इसका। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, धरित्री का तद्भव रूप होता है धरती, तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा का उदाहरण नहीं है, यानी इसमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन आपके पास शिक्षक, सोना, किताब, अच्छा। अच्छा क्या है, क्वालिटी बता रहा है ना, ये कोई संज्ञा सर्वनाम तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये संज्ञा का शब्द नहीं है। इसके अलावा सोना, किताब, शिक्षक, ये सभी क्या है, संज्ञा के एग्जाम्पल हैं, तो इस क्वेश्चन के बिहाफ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है तुलनात्मक विशेषण की दृष्टि में कौन उत्तम अवस्था में नहीं है, सुंदरतम, उच्चतम, कोमलतम या शीतलतम, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, शीतलतम। शीतलतम नहीं होता है, उच्चतम होता है, सुंदरतम होता है, कोमलतम होता है, लेकिन शीतलतम नहीं होता। हम कभी ये नहीं कहते कि पानी बहुत शीतलतम है, ऐसा कुछ नहीं होता, तो यहाँ डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ये उत्तम अवस्था में नहीं है। फिर कह रहे हैं ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, यानी उच्चारण स्थान आपसे पूछ लिया है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है। ऑप्शन आपके पास कंठ, तालु, ओष्ठ या दंत, तो आप देख रहे होंगे कि जब ऊ का उच्चारण आप करते हैं तो इसका उच्चारण जो होता है वो ओष्ठ से होता है, यानी ओठ से होता है, तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और जो क वर्ग के होते हैं उनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। दंत, दंत किसका होता है, त, थ, द, यानी त वर्ग के, त का उच्चारण करेंगे तो दांतों का इस्तेमाल होगा, यानी जीभ आपकी दांतों को टच करेगी, तो यहाँ दंत हो जाएगा। और तालु किसका उच्चारण स्थान होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो इस वीडियो में हमने टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगी कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको डेली क्लासेस मिलती रहेंगी जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। थैंक यू।